हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे सेंटेंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं जो कि दिनचर्या में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एंड सीखते हैं। ओके, सो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे नाश्ता मिल सकता है? मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तो इस तरह के जो सेंटेंस है, आप डेली लाइफ में काफी टाइम यूज करते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो वी विल से आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री, कैन आई हैव ए स्नैक? सो कैन आई हैव ए स्नैक, कैन आई हैव सम फूड, कैन आई हैव समथिंग टू ईट? तो इस तरह सेंटेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे नाश्ता मिल सकता है? आई एम हंग्री, कैन आई हैव ए स्नैक? राइट, नेक्स्ट, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं कुछ पानी ले सकता हूँ? राइट, तो क्या लाइक यू नो, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा पानी या कुछ पानी का मतलब यहाँ पर है कुछ ग्लास पानी ले सकता हूँ, कुछ बोतल पानी ले सकता हूँ? तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो विल से आई एम थर्स्टी, कैन आई गेट सम वाटर? कैन आई गेट सम ग्लास ऑफ वाटर? कैन आई गेट सम ग्लास ऑफ जूस? राइट, आई एम थर्स्टी, कैन आई गेट सम ग्लास ऑफ वाटर? राइट, नेक्स्ट, मैं थक गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिस्तर पर जाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए, मैं थक गया हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो वी विल से आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। सो आई थिंक आई विल गो टू बेड, मुझे बेड पे जाऊंगा या मुझे बेड पर जाना होगा। सो आई थिंक आई विल गो टू बेड, राइट? सो इस तरह आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। मुझे फोन का उपयोग करना है, राइट? मुझे लैपटॉप का उपयोग करना है, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का यूज करना है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो वी विल से आई नीड टू यूज द फोन, आई नीड टू यूज द लैपटॉप, आई नीड टू यूज टू यूज द लाइक यू नो टच पैड या लाइक दैट, है ना? कुछ भी अगर आपको यूज करना है, उपयोग करना है, तो उसको आप इस तरह यूज फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ? सो कैन आई बोरो योर फोन? कैन आई बोरो योर मोबाइल? कैन आई बोरो योर बुक? तो लाइक दैट, इस तरह आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। मुझे ठंड लग रही है, या मैं ठंड हो गया हूँ, या लाइक इस तरह के सेंटेंस को कैसे आप इंग्लिश में कहेंगे? मुझे ठंड लग रही है, क्या आप गर्मी बढ़ा सकते हैं? क्या आप यू नो हीटर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? सो यहाँ पर क्या होगा, आई एम कोल्ड, कैन यू टर्न अप द हीट? या आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, या आई एम कोल्ड, मैं ठंड हूँ, मैं बहुत ठंड हो गया हूँ। सो आई एम कोल्ड, मैं ठंड हूँ, राइट? दैट मीन्स मुझे फील हो रहा है कि मैं काफी ठंडा को फील कर रहा हूँ, मैं ठंडा फील कर रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग कोल्ड, और आई एम कोल्ड, राइट? मैं ठंडा हूँ, राइट? सो कैन यू टर्न अप द हीट, राइट? तो इस तरह आप सेंटेंस को क्या बना सकते हैं। मुझे गर्मी लग रही है, मैं गर्म हूँ, तो क्या आप ऐसी एसी चालू कर सकते हैं? तो आई एम हॉट, और आई एम फीलिंग हॉट, राइट? कैन यू टर्न ऑन द एसी? कैन यू टर्न ऑन द एसी? आई एम फीलिंग हॉट, और आई एम हॉट, कैन यू टर्न ऑन द एसी? नेक्स्ट, क्या आप कृपया संगीत कम कर सकते हैं? जो आप गाना बजा रहे हैं, इसकी वॉल्यूम काफी हाई है, तो क्या आप म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर सकते हैं? इसको आप कैसे कहेंगे? कैन यू प्लीज लोअर द म्यूजिक? कैन यू प्लीज लोअर द म्यूजिक? तो लोअर द म्यूजिक का मतलब है लोअर, तो उसकी वॉइस की बात हो रही है। कैन यू प्लीज लोअर द वॉइस ऑफ द म्यूजिक? यहाँ पर वॉइस साइलेंट है, बट मीनिंग ओवरऑल आ रहा है कि म्यूजिक के वॉल्यूम की बात हो रही है। सो कैन यू प्लीज लोअर द म्यूजिक? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। सो आई डोंट फील वेल, आई डोंट फील वेल, राइट? मुझे
अच्छा फील नहीं हो रहा, और यू कैन सी आई एम नॉट फीलिंग वेल, और यू कैन ऑल्सो से कि यू नो आई एम फीलिंग यू नो अनईजी, आई एम फीलिंग अनईजी, राइट। सो नेक्स्ट, मुझे अपने जूते नहीं मिल रहे हैं, मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मुझे अपने यू नो लाइक डिफरेंट डिफरेंट थिंग जो कि आप रेगुलर लाइफ में ढूंढते हो, जरूरत की चीजें, तो आप बोलते हो मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, तो लाइक दैट, मुझे चार्जर नहीं मिल रहा है। सो हाउ यू विल से इन इंग्लिश? सो विल से आई कांट फाइंड माई शूज, आई कांट फाइंड माई शूज, राइट। क्या आप कृपया टेबल सेट कर सकते हैं? क्या आप कृपया टेबल सेट करते हैं कर सकते हैं? क्या आप फर्नीचर सेट कर सकते हैं? क्या आप कुछ यू नो घर को मैनेज कर सकते हैं? इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे? सो कैन यू प्लीज सेट द टेबल, कैन यू प्लीज सेट द फर्नीचर, कैन यू प्लीज सेट द यू नो होम प्रोडक्ट्स, राइट। तो इस तरह आप इंग्लिश में कह सकते हैं। कचरा बाहर निकालने की बारी आपकी है, राइट। तो टर्न होता है कि अगर आप एक पीजी में हो या साथ में रह रहे हो, तो आप बोलते हो कि आज का टर्न मेरा है, कल का तुम्हारा है, परसों का उसका है, तो लाइक काम से रिलेटेड। तो कचरा बाहर निकालने की बारी आपकी है, खाना बनाने की बारी आपकी है, बर्तन धोने की बारी आपकी है। सो इस तरह के सेंटेंस को हाउ विल यू से इन इंग्लिश? सो विल से कचरा बाहर निकालने की बारी आपकी है, इट इज योर टर्न टू टेक आउट द ट्रैश, राइट। ट्रैश मतलब क्या होता है? कचरा, राइट। सो आप यहाँ पे गार्बेज भी यूज कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म में भी जाएं, तो आप मेल जब देखते हो तो उसमें एक टर्म आता है नीचे, सेंड और यू नो रिसीव, राइट। तो उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है वहां पर ट्रैश का, जिसमें कि यू नो अनवांटेड मेल आते हैं, या फिर आप कहा जाए कि इररिलेवेंट यू नो मेल्स आते हैं, तो वो ट्रैश में चला जाता है, कचरे डस्टबिन में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रैश यूज किया गया है। यू कैन यूज गार्बेज एज वेल, गार्बेज, ओके। सो इट इज योर टर्न, यह आपकी बारी है, अब आपकी बारी है टू टेक आउट द ट्रैश, कचरा को बाहर निकालने का। मुझे अपना कमरा साफ करना है, मुझे अपना रूम साफ करना है। सो हाउ विल यू से आई नीड टू क्लीन माई रूम, आई नीड टू क्लीन माई रूम। क्या आप चाहते हैं कि मैं बर्तन बनाने में आपकी मदद करूं? अब यहाँ पर बर्तन बनाने या फिर बर्तन को साफ करने का सेंस आता है, ठीक है। बर्तन बनाने, दैट मीन्स यू आर नॉट यू नो मैन्युफैक्चरिंग द पॉट्स, यू आर जस्ट, यहाँ पे सेंस आ रहा है क्लीनिंग द पॉट्स, राइट। सो यहाँ पे डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प विद द डिशेस, है ना। डू यू वॉन्ट मी, क्या आप चाहते हो मेरा हेल्प? डू यू वॉन्ट टू मी टू हेल्प विद द डिशेस, राइट। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो मेरा हेल्प बर्तन को धोने में, राइट। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प विद द डिशेस। अच्छा, मैं लिविंग रूम को खाली करने जा रहा हूँ, राइट। सो खाली करने और लिविंग, राइट। सो आई एम गोइंग टू वैक्यूम द लिविंग रूम। आप वैक्यूम मतलब खाली करना, कुछ भी वहां पर नहीं रहना, जो भी चीजें हैं सारा कुछ हम निकाल रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू वैक्यूम, और आई एम गोइंग टू यू नो एक्सट्रैक्ट, यू नो यहाँ पर आप क्या यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट एंड वॉल्यूम दोनों। सो आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट और वैक्यूम द लिविंग रूम और डाइनिंग रूम, वॉट एवर। मैं तुम्हारे किसी चीज में मदद कर सकता हूँ क्या? या आप बोलते हो मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? तो मैं तुम्हारी किसी भी चीज में मदद कर सकता हूँ क्या? सो कैन आई हेल्प यू विद द एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू विद द एनीथिंग, क्या मैं किसी चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ? नेक्स्ट, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, आपने जो सहायता किया, आपने जो मेरी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैंने यह पहले ही कह दिया, मैंने यह कर दिया, मैंने यह पहले ही कर दिया। तो आपकी माँ बोलती है कि क्या तुमने यू नो ये काम किया, क्या तुमने खाना बनाया, क्या तुमने चाय प्रिपेयर किया? तो सडनली यू आर सेइंग दैट कि यस आई हैव कंप्लीटेड, राइट। सो ये पहले ही, आई ऑलरेडी डिड दैट, मैंने पहले ही यह कर लिया। आई ऑलरेडी कुक्ड द फूड, आई ऑलरेडी यू नो वॉश द डिशेस, आई ऑलरेडी यू नो मेड द टी। सो इस तरह जो है आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह सेंटेंस को। मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ धन्यवाद। अगर कोई आपको बोलता है कि क्या मैं इसमें आपकी मदद करूँ,
तो आप बोलते हो मैं खुद इसे कर सकता हूँ, धन्यवाद। क्या मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, धन्यवाद। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे? कैन आई डू इट माई सेल्फ? आई कैन डू इट माई सेल्फ, थैंक्स। ना, मैं यह अपने से कर सकता हूँ। आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, थैंक्स। सो चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। चिंता मत करो, मैं इसका जरूर ख्याल रखूंगा। सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल टेक केयर, मैं इसका ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट, क्या मैं उधार ले सकता हूँ? तो क्या मैं पैसे उधार ले सकता हूँ? क्या मैं बुक उधार ले सकता हूँ? तो इस तरह के जो है सेंटेंस डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होते हैं। सो कैन आई बोरो योर बुक? कैन आई बोरो सम मनी? कैन आई बोरो योर बाइक? सो लाइक दैट। क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? सो हाउ विल यू से? सो विल से मे आई यूज दिस पेन, राइट? मे आई यूज दिस यू नो स्पेस? मे आई यूज दिस रूम? मे आई यूज दिस यू नो टेलीफोन? लाइक दैट। अगर आप गलत ना मानो तो, अगर आप गलत ना मानो तो मैं यह आपका ले सकता हूँ। अगर आप गलत ना मानो तो क्या मैं एक बात कहूँ? तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो वुड यू माइंड इफ आई से समथिंग टू यू? वुड यू माइंड? वुड यू माइंड इफ आई से समथिंग टू यू? राइट, अगर आप गलत ना माने तो आई से समथिंग, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर आप गलत ना माने तो। अगर आप गलत ना माने तो वट यू विल से? वुड यू माइंड? वुड यू माइंड इफ? राइट, नेक्स्ट, बिल्कुल, ऑफकोर्स, राइट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, है ना? एक गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सो नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। नेक्स्ट, मुझे मदद करने में खुशी होगी। मुझे मदद करने में खुशी होगी। सो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। मुझे मदद करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी, मैं खुशी होऊंगा हेल्प करके। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट? ये इलीगल है। आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ये पब्लिक प्लेस है। सो यू कांट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते, इट इज इलीगल। सो शायद बाद में, शायद बाद में, मे बी लेटर। मुझे पहले मुझे पिताजी से पूछने दीजिए, पहले मुझे माँ से पूछने दीजिए, पहले मुझे टीचर से पूछने दीजिए, पहले मुझे कंसल्टेंट से पूछने दीजिए, लाइक दैट। लेट मी आस्क डैड फर्स्ट, लेट मी आस्क मॉम फर्स्ट, लेट मी आस्क टीचर फर्स्ट, लेट मी आस्क माई कंसल्टेंट फर्स्ट, राइट? मुझे अच्छा नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। मुझे नहीं लगता कि आपकी बात अच्छी है ना, इस तरह के। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। दैट इज ए गुड आइडिया, दैट ए गुड आइडिया, और दैट इज ए गुड आइडिया, है ना? नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि आपका विचार, ओके, सो आई ऑलरेडी डन। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो इफ यू डोंट सब्सक्राइब येट, प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स।